क्या मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा छोड़ने वाले हैं? क्या मुंबई को रोहित को हटाना भारी पड़ने वाला है? वेल, आईपीएल 2025 के लिए मेगा ऑक्शन जो है इस बार काफी रोमांचक रहने वाला है। बहुत इस बार सस्पेंस बना हुआ है। ऑक्शन से पहले ट्रेडिंग विंडो खुलेगी और खिलाड़ी जो है वो एक टीम से दूसरी टीम में जा सकते हैं और ये ट्रेडिंग टाइम काफी इंपॉर्टेंट टाइम रहने वाला है। हालांकि बीसीसीआई की तरफ से अब तक रिटेंशन के जो नियम कायदे कानून है वो नहीं उजागर किए गए, लेकिन इस बार कई बड़े खिलाड़ियों पर नजर है और जिन खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा नजर है उनमें से सबसे बड़ा नाम जो है वो है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा का नाम इसलिए बड़ा क्योंकि रोहित शर्मा फिलहाल इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है। आप टेस्ट की रैंकिंग उठा लीजिए, आप ओडीआई की रैंकिंग उठा लीजिए, वो इंडिया के करंटली नंबर वन रैंक्ड बैट्समैन है। T20 की जहां तक बात है, रोहित वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन गेटर थे और बल्ले से कप्तानी से जलवा जलाल किया था और हाईएस्ट रन स्कोर करने के साथ साथ उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता था, तो वो इस वक्त हॉट टॉपिक है। अब सवाल यह है कि क्या रोहित मुंबई छोड़ेंगे? वेल, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड कैसे है? अब एक तो यह कि मुंबई के साथ रोहित का जो विवाद था वो कोई छिपा नहीं है, सबने देखा था लास्ट ईयर क्या हुआ था। आईपीएल 2024 में रोहित को हटाया गया, फिर बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करना, फिर बहुत सारे स्टेटमेंट आना, फिर वो वायरल वीडियोज होना, हार्दिक और मुंबई काफी आलोचना हुई थी। अब खबर चल रही है कि सूर्य कुमार यादव जो है वो दूसरी टीम में जा सकते हैं। एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो अभी से बननी शुरू हो गई है। जसप्रीत बुमराह ने सार्वजनिक तौर पर कह दिया है कि वो कैप्टन बनना चाहते हैं। हार्दिक को मुंबई लेकर भी आई थी कि भाई कैप्टन बनाया जाएगा और रोहित वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, साथ में ओडीआई टीम और टेस्ट टीम में कैप्टन है, तो जाहिर सी बात है उनकी अपेक्षाएं कोई गलत नहीं है। प्लस इस मुंबई को 5 बार उन्होंने चैंपियन बनाया था। मुंबई लास्ट टाइम सबसे नीचे थी, लेकिन अब रोहित को लेकर चल रहा है कि रोहित शर्मा ऑक्शन में जा सकते हैं और अगर रोहित ऑक्शन में जाते हैं तो फिर बंपर लड़ाई हो सकती है। बीच में खबर भी आई थी कि रोहित के लिए कई टीम ऐसी है जो 50-50 करोड़ रुपए तक संभाल के रख रही है। फिलहाल जो कहानी है वो ये है कि रिटेन जो करने की क्षमता है उसमें 6 खिलाड़ियों को इजाजत दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो रोहित के अगले सीजन के लिए एक नई टीम के लिए खेलने की संभावना काफी ज्यादा होती है। रोहित को लेकर कई टीमों के बारे में चर्चा चल रही है, जैसे दिल्ली कैपिटल के बारे में चल रहा है। दिल्ली कैपिटल ने अब तक एक भी आईपीएल नहीं जीता है, इस बार काफी चेंजेस वो कर रहे हैं और खबर है कि ऋषभ पंत को वो कैप्टेंसी से हटा सकते हैं। ऋषभ पंत की कैप्टेंसी में टीम का प्रदर्शन मिला जुला रहा, टीम को ट्रॉफी की तलाश है, ऐसे में एक सीनियर कैप्टन को लेकर वो दांव लगा सकते हैं। अगर ऋषभ पंत और दिल्ली का करार टूटता है तो फिर रोहित शर्मा के लिए काफी कोशिश की जाएगी, ये चल रहा है काफी कोशिश और दिल्ली काफी सीरियस है रोहित शर्मा को लेकर। दूसरी कहानी जो है वो है पंजाब किंग्स को लेकर। पंजाब किंग्स भी बहुत इंटरेस्टेड है रोहित शर्मा में। पंजाब किंग्स ने अब तक एक भी आईपीएल नहीं जीता है। टीम एक कैप्टन चाहती है जो एक्सपीरियंस हो। संजय बांगर ने तो खुद कहा था कि भाई जितने पैसे बचे हैं वो सारा खर्च करने को तैयार है। रोहित शर्मा अगर ऑक्शन में आते हैं तो वो बहुत बड़ी कीमत लगाने को तैयार है और पंजाब चाहता है कि उसे एक ऐसा कैप्टन मिले जो सामने से लीड करे और टीम की बल्ले बल्ले हो। शिखर धवन पिछले सीजन तक पंजाब के कैप्टन थे, लेकिन अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं और मेगा ऑक्शन में वो एक नया कैप्टन चाहते हैं। रोहित से बेहतर फिलहाल शायद ही कोई होगा जिसे वो ले सके। ऐसे में ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या रोहित शर्मा यहां पर खेलते नजर आएंगे। इंटरेस्टिंग है, आकाश चोपड़ा ने प्रेडिक्ट किया था कि रोहित अगर आते हैं तो 40 करोड़ ऑक्शन में कहीं नहीं गया है। फिर खबर ये भी आई कि एलएसजी भी उनमें इंटरेस्टेड है। ये जो 50 करोड़ वाली कहानी है ये हर तरफ से आ रही है। देन केकेआर लास्ट ईयर काफी चल रहा था, जो क्लिप वायरल हुई थी अभिषेक नायर और इनकी, हालांकि अभिषेक नायर और गंभीर खुद इंडियन टीम का हिस्सा हो गए थे, लेकिन लास्ट ईयर सुना गया था कि एक चीज चेंज हो रही है और वो उनके ऊपर है, मेरा घर है वो। और रोहित ने लास्ट ईयर भी कहा था कि भाई मेरा क्या, ये तो आखिरी साल है। रोहित ने आईपीएल में लास्ट ईयर अच्छा किया था, 14 मैचेस में 417 रन बनाए थे, 150 का स्ट्राइक रेट था, एक शतक भी था, लेकिन उसके बाद उनकी फॉर्म फिर अलग लेवल पे गई। ब्लू जर्सी में जाते ही वो अलग लेवल पे आ गए। अब केकेआर, दिल्ली, लखनऊ, पंजाब, ये वो टीम है जो रोहित शर्मा पर दांव लगाने के लिए बेताब है। क्या रोहित इनमें से किसी के साथ बदलेंगे या मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को वापस कैप्टन बनाकर उन्हें सम्मान इज्जत देगी और अपनी गलती को ठीक करेगी? इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग ऑक्शन, लेट्स जस्ट सी क्या होता है।